फैंटेसी ड्रामा इन दोनों का ही लॉजिक से इतना छोटा रिश्ता है जितना कि एक चींटी का हाथी से। यहाँ पर लॉजिक चींटी है। हा? इस टाइप के रायतों की कोई भी कमी नहीं होती है हमारे इंडियन टीवी सीरियल्स में। तो कहने का मतलब सीधा यह है, चाहे फैंटेसी हो या फिर ड्रामा, मर्डर तो हमेशा लॉजिक का ही होना है। वैसे देखा जाए तो आप लोगों ने इच्छाधारी नागनागिन की कहानियों के बारे में तो जरूर सुना होगा और आजकल हम उन्हें टीवी पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एकता कपूर की कृपा की वजह से जो है आजकल हम टीवी पर इच्छाधारी नागनागिन के अलावा इच्छाधारी चील और इच्छाधारी मोर को भी देख और सुन सकते हैं। मतलब इच्छाधारी चील और मोर। तो गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि नागिन शो जो कि एकता कपूर के द्वारा बनाया गया है उसके ऑलरेडी 5 सीजन आकर जा चुके हैं। इसके बाद ये वाला 6ठा सीजन भी रिलीज हो चुका है। और वैसे भी हमारे टीवी सीरियल्स की नागिन की तो कुछ बात ही अलग होती है क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल प्रकार की पावर होती है, जैसे कि वो अपने मुंह से बवंडर बना लेती है और अपनी आंखों से BFX वाली सस्ती आग निकाल देती हैं। और इसके अलावा हमारी नागिनों के पास जो है एक स्पेशल शक्ति होती है, उनके हाथ कानून से भी लंबे होते हैं। मतलब कानून के लंबे हाथ वाला डायलॉग इन्हें सूट नहीं कर रहा था तो उन्होंने नागिनों के हाथ भी लंबे कर दिए। और बस यही सब कचरा करते करते नागिन के 5 सीजन निकल गए और 6ठा सीजन हमारे मुंह पे थोप दिया गया है। साल 2030 में एक अटैक पूरी दुनिया को बदल देगा। जहर ही जहर को काट सकता है। इस बार खुद के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए। बदल रही है दुनिया, बदल चुकी है नागिन। तो सुना आप लोगों ने, इस बार की नागिन पिछले सीजन की सारी नागिनों से बिल्कुल अलग है। इस बार वो अपना खुद का पर्सनल बदला छोड़ के देश का बदला लेने आई है। 2 मिनट का साइलेंस नागिन के बदले के लिए। देशद्रोहियों के घर की दुल्हन बनकर लेगी बदला। मतलब सारी बातें एक तरफ और बदला लेने के लिए शादी का खेल खेलना एक तरफ। वैसे तो तुम चाहे 6 की जगह 600 सीजन बना लो लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है, जैसे कि नागिन का बदला, उसके बाद इनके एक्सपेंसिव कपड़े, शादी ब्याह का माहौल और फंक्शन चलेगा 50 दिन तक। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी नागिन का दुश्मन हुआ करता था उसकी फोटो या वीडियो नागिन की आंखों में कैप्चर हो जाया करती थी। लेकिन ये वाली जो नागिन है इसकी टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की है। तो होता क्या है, जैसे डिजिटल बोर्ड पे लगी फोटोज को ये टच करती है तो इसे पता चल जाता है कुछ, और इसकी आंखों से जो है एक लेजर लाइट निकलती है जो कि सीधा डिजिटल मैप पर पड़ती है और कंप्यूटर उसे स्कैन कर देता है और बता देता है कि एक्चुअल में उस दुश्मन का घर कहाँ है। तो हम लोग इसे सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं डिजिटल नागिन। इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, बस अगली बार नासा वाले इसी को किडनैप करने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही सीजन आते रहे तो आने वाले समय में जो नागिन आएगी वो शायद अपनी पूंछ के ऊपर चड्डी पहन करके सुपर नागिन कहलाएगी। वैसे सच बताओ ना गाइस, तो मैंने ये सीरियल कभी भी नहीं देखा है। बस ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इसके कुछ क्लिप्स देखे, इसके कुछ सीन्स देखे और इसके कुछ एपिसोड्स भी देखे। सच में मेरे दिमाग का बिल्कुल रायता बन चुका है। तो इस वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करो। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।